दिन प्रतिदिन प्रकृति और पर्यावरण के साथ दोहन हो रहा है। इसे मानव जाति का विकास कह लो या प्रकृति का विनाश, जिसका समाधान इंसान को अपने प्रयासों द्वारा करना पड़ेगा, जिसमें सबसे प्रमुख प्राथमिकता है पेड़ पौधों का इस वसंत ऋतु में रोपण करना, जो कार्य कुछ ही लोग कर पाते हैं। उसी में एक हमारे इंदौर शहर की नवनिर्मित संस्था मैन पावर सोलर संचालक एसोसिएशन कार्य कर रही है। संस्था पर्यावरण के साथ धर्म का भी साथ ले रही है। इंदौर में पधारे कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के मार्गदर्शन और प्रेरणा से संस्था द्वारा अपने सदस्यों और गणमान्य नागरिकों को संस्था के कार्यालय में अतिथि के रूप में बुलाकर उन्हें पर्यावरण और धर्म के संरक्षण के लिए बेलपत्र का पौधा आत्म उपहार के रूप में दिया जा रहा है। संस्था कार्यालय 263 सेकंड फ्लोर शास्त्री मार्केट में स्थित है, जहाँ से आप यह अमृत बेलपत्र प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को लेकर संस्था के अध्यक्ष दीपक हाडिया द्वारा बताया गया कि इस संस्था में पुराने रिटायर्ड विद्युत विभाग के कर्मचारी और वर्तमान में जो युवा बेरोजगारी से ग्रस्त है उनके लिए कार्य करने की योजना तैयार कर रही है, साथ ही पर्यावरण से भी लोगों को जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। अध्यक्ष का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में कम से कम एक वृक्ष लगाना और उसका ध्यान रखकर उसे बढ़ाना चाहिए।